बिना मैनेज न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अजनी देश का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन होगा। यह नागपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिम भाग में आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही है। अजनी में एक बहु मॉडर्न यात्री केंद्र शुरू किया जाएगा। इसके लिए यातायात मंत्रालय ने पहले चरण के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 26 फरवरी को परियोजना का टेंडर हुआ है और जल्द ही रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के यूएस के आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया है। इसके अनुसार अजनी को ट्रेन, मेट्रो, बस, ऑटो, होटल, गार्डन आदि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे नागपुर शहर की तस्वीर बदल जाएंगी और अजनी रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन होगा। तथा कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि ऊर्जा और संरक्षण मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, मध्य रेल के DRM सोमेश कुमार, दक्षिण मध्य रेलवे के DRM शोभना बंदोपाध्याय, पूर्व अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक त्रिलोक कोठारी, रेलवे विभाग के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा मौजूद थे। गडकरी ने कहा कि गोंदिया जबलपुर ब्रांड गेज, छिंदवाड़ा नागपुर ब्रांड गेज, नागपुर राजनांदगांव तीसरी लाइन सहित 4500 करोड़ के विकास कार्य मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन को फुट ओवर ब्रिज, रैंप, लिफ्ट, CCTV और वाईफाई उपलब्ध कराया जा रहा है। गोदनी और खापरी रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। इसके बजाय सड़क पर आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना जनता का उद्देश्य है। सोमेश कुमार, शोभना बंदोपाध्याय द्वारा परियोजनात्मक DRM वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक खुशखुशी मिश्रा, मंडल अभियंता सिरोलिया, स्टेशन निर्देशक दिनेश नागदेव, रेलवे अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संचालय और धन्यवाद ज्ञापन सुनी सुशील तिवारी ने किया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।